नहीं तो ऐसी अनन्य भक्ता कि अयोध्या से जाकर और साक्षात श्री राम जी को ओरछा लिवा लाई। जो राजा मधुकर शाह की पत्नी थी वो राम जी की अनन्य भक्त थी, राजा मधुकर शाह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कथा उनकी भी बड़ी सुंदर है, फिर कभी अवसर मिलेगा तो मैं निवेदन करूंगा। वो तो ऐसी राम भक्ता थी कि एक बार उन दोनों का नियम था कि प्रतिवर्ष श्रावण के मास में राजा मधुकर शाह वृंदावन आया करते थे और रानी अयोध्या जाया करती थी, और दोनों पूरा श्रावण का मास भगवान के धाम में वास करते थे, पश्चात लौट आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि राजा तो श्रावण के महीना वृंदावन दर्शन करके लौट आए, लेकिन रानी नहीं आई। राजा ने दो चार बार पत्र लिखा, रानी ने कहा आऊंगी आऊंगी, मन रम गया भगवान के धाम में, भगवान की लीला में। तो एक दिन राजा ने थोड़ा सा नाराज होकर थोड़ा से क्षोभ में आकर पत्र लिख दिया कि ऐसा लगता है कि तुम तो अपने राम जी को लिवाकर ही लाओगी संग में, उन्हें संग ही लेकर आओगी क्या। रानी के भावुक हृदय पर ये बात लग गई, बोली ठीक है अब तो मैं इनको लेकर ही आऊंगी और अन्यथा नहीं लौट कर आऊंगी। बहुत दिन रानी ने प्रतीक्षा की, फिर रानी ने मन में विचार किया कि मैंने कह तो दिया कि मैं प्रभु को लेकर ही आऊंगी, पर मेरे जैसी प्रभु की जाने कितनी दासियां होंगी, मेरे साथ ही प्रभु क्यों कर चल देंगे। बहुत दिन तक तो रानी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन अब कह दिया है, और जय पत्र राख है धर्म की तई राख है करता। मैंने देखा है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के जीवन में शब्द का, वाणी का बड़ा आदर है, वाणी का बहुत आदर है, शब्द का बहुत आदर है, और शब्द की शक्ति प्रमाणिक है। द्रौपदी के मुख से एक अपशब्द ही तो निकलता है और महाभारत का बीज पड़ जाता है। एक शब्द, अपमान सूचक एक शब्द, शब्द ही तो था, विनोद में आकर कह दिया था द्रौपदी ने, उपहास कर दिया शब्द से। और ऐसा कहा जाता है कि सांप से अधिक विषैली सर्पिणी होती है, सांप से ज्यादा विषैली होती है सर्पिणी, और ऐसे ही वाण से ज्यादा घातक वाणी होती है। शस्त्र की चोट, शस्त्र का घाव तो भर जाता है, शब्द का घाव नहीं भरता। और शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, ये उत्कर्ष पर भी ले जाता है और यही व्यक्ति का पतन भी कराने में सक्षम है। और आप और मैं अपने जीवन में देखेंगे तो आप पाएंगे कि बड़ी थोड़ी ऐसी बातें हैं जो आप और मैं ऐसी बोलते हैं जो बोलनी चाहिए, बाकी तो जीवन में बहुत कुछ अनर्गल है। व्यर्थ का हम अपनी वाणी का अपलाप करके अपनी जाने कितनी शक्ति व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ की बात बोलकर। संतों के जीवन का एक बड़ा सुंदर लक्षण देखने में आता है कि साधु के जीवन में मौन होता है, मौन। प्रसंग वशात ये बात आई है तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो साधक है, जिसके जीवन में साधना है, जो स्वयं को साधना चाहता है, जो भगवान के निकट जाना चाहता है, जो उपासना के किसी मार्ग पर चल रहा है, जो धर्म के किसी सिद्धांत को धारण किए हैं जीवन में, उसके जीवन में थोड़ी देर का मौन अवश्य होना चाहिए। मौन में बड़ी अपरिमित शक्ति है, मौन में असीम बल है, मौन आपको आपके निकट ले जाएगा। भले आप जीवन में आप नित्य प्रति 5 मिनट का समय निकालें कि आप मौन रहें, फिर आप देखेंगे कि मौन रहने के कारण जिह्वा को जब आप बांध लेंगे, जिह्वा को बांधते ही फिर धीरे धीरे आपका मन आपके मन में उठने वाले संकल्प विकल्प वो भी मौन होने लगेंगे। जो आपके मन में विचारों की भीड़ लगी रहती है, जो मन में विचारों का द्वंद चलता रहता है, जो मन में भांति भांति के विचार झगड़ते रहते हैं, धीरे 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 वो भी मौन होने लगेंगे। मौन आपको सीधे शब्दों में उस परम शांति के निकट ले जाता है। मौन थोड़ा सा आपकी वाणी में बल आएगा यदि आप मौन रहते हैं तो, आपकी वाणी में एक ऊर्जा आएगी। वाणी ही तो है, वाणी का बल ही तो है। एक व्यक्ति कहता है और उसकी बात भगवान के कान तक पहुंच जाती है, और कोई कहता है और कहते कहते उसका बेचारे का स्वयं का ही मन नहीं सुनता, उसका ही अपना मन उसकी बात नहीं मानता। एक बार ऐसी मुझसे किसी ने पूछा, बोले क्या होता है सत्संग से, क्या हो जाता है। तो मैंने कहा भैया और बात तो तुम्हारी समझ में आएगी नहीं, मोटी बुद्धि से इतना समझ लो
कि सत्संग की कृपा है, तुम अपने घर के चार व्यक्तियों को एक साथ नहीं बैठा सकते मौन, और मैं यहां पर 4000 को रोज घंटों मौन बैठाता हूं, हिलने भी नहीं देता, तो और कोई चमत्कार तो तुमको क्या समझ में आए, अभी तो इतना ही देख लो। बिखरा हुआ मन सिमटता है इस मौन से, मौन की कृपा से। किसी ने इसी मौन के बल पर कभी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के इस परतंत्र देश को स्वतंत्र करा दिया था। उसके पास क्या था? उसके पास मौन का बल था, उसकी वाणी में मौन का बल था। जब आप मौन होते हैं तभी आपकी वाणी में बल आता है। आप बोलते चले जाइए, बोलते चले जाइए, आपकी संचित ऊर्जा भी व्यर्थ होती चली जाएगी। आवश्यक हो सो बोलिए, जहां दो शब्द की आवश्यकता हो प्रयास करिए वहां एक से ही काम हो जाए, एक ही शब्द। मन वे ये पूंजी स्वासादि एनु लादे प्रभु दे लेखे ए जग पे आवेखे भजन कर गोविंद दा मन वे भजन कर गोविंद दा। क्षत्रिय कुल की राजरानी, उसने भी मन में विचार किया अब कह दिया है तो कह तो प्रभु को लेकर जाऊंगी। और राजा मधुकर शाह का जन्म हुआ था श्री राम जी के कुल में, और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पे वचन न जाए। रानी ने कहा मैंने कह दिया है कि प्रभु को लेकर आऊंगी, नहीं तो यहीं अपने प्राण दे दूंगी। बहुत दिन निकल गए, फिर एक दिन रानी ने मन में विचार किया कि ऐसा जीवन धारण करने से क्या लाभ। मन ही मन प्रभु से कहती है, दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरी कहाय के जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरी कहा है कि अब कहां जाऊं। तो उस दिन रानी ने मन में विचार कर लिया कि कल प्रातः काल होते ही सरयू जी में कूद के और इस जीवन का अंत कर लूंगी, संसार की ओर जाना नहीं, इस जीवन का अंत कर लूंगी। कूद गई अगले दिन प्रातः काल सरयू जी में, पर कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। इधर रानी कूदी, कल भी मैंने प्रेम निधि जी की बात चर्चा करते हुए आपसे कहा था कि जब चारों ओर अंधेरा हो और विपदा ने भी घेरा हो, उस समय भी यदि आप साहस जुटा पाए चलने का, घना अंधकार कीचड़ भरा रास्ता जाने कब पैर फिसल जाए ऐसा भय, लेकिन यदि उस समय आप अपने अपने धर्म की रक्षा करते हुए, उस समय आप अपने भाव की रक्षा करते हुए, उस समय आप गुरुजनों की मर्यादा की रक्षा करते हुए यदि चलने का साहस जुटा पाए तो आप देखेंगे आप दो चार कदम चलेंगे और वो मशाल लिए आपके आगे आगे चलेगा। पहुंचाने की जिम्मेदारी, आपको टिकाने तक ले जाने का उत्तरदायित्व प्रभु का है। तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं प्रभु सा कोई और जैसी है, ए हो मुरा पुकार कहो अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। कि प्रभु खाली हाथ लौट जाती हूं तो मेरा नहीं आपका अपयश होगा, कि आपके चरणों की अनन्य भक्ता और अपने वचन पर नहीं रह सकी,
और कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जीवन धारण किया जाए या धर्म धारण किया जाए, भगवान को प्रसन्न करना है, जीवन का वस्तुतः मर्म, जीवन का सत्व, जीवन की उपलब्धि यदि पाना चाहते हैं, और ऐसी ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि आपको जीवन धारण करना हो या धर्म धारण करना हो, तो धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जेही पत राख है धर्म की, तेही राख है करतार। इधर सरयू में कूदी और उधर राम राजा सरकार रानी के हृदय से आ लगे। बाहर आई सरयू से प्रभु का वो श्री विग्रह लेकर, और जब ओरछा वापस पहुंची रानी, तो रानी ने राजा को संदेश भिजवा दिया कि कहे अनुसार अपने प्रभु को लिए आ रही हूं, आप मंदिर का निर्माण कराइए। राजा भी बड़े प्रसन्न हुए, राजा भी अनन्य भक्त थे, अपनी अपनी धर्म पत्नी का अपनी धर्म पत्नी की धर्म विजय देखकर राजा वन में बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा सुंदर मंदिर ओरछा में बनवाया। और जब राम राजा सरकार ओरछा पहुंचे तो रानी से कहा कि हम तो तुम्हारे ही कक्ष में रहेंगे, हम इस मंदिर में नहीं रहेंगे, हम तो तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे प्रेम का पोषण करने के लिए आए हैं, सो तुम्हारे ही महल में रहेंगे। तो वहां मंदिर में किसी और को पधराया गया, और आज भी ओरछा में जहां राम राजा सरकार का दर्शन होता है वो महल है, रानी का महल, जहां प्रभु आकर विराजे। और प्रभु ने भक्ति की प्रतिष्ठा कैसे की, एक दिन रानी खड़े खड़े भगवान की सेवा करती थी, सेवा करने में कुछ घंटों का समय लग जाता था। एक दिन श्री ठाकुर जी ने कहा कि देखो तुम खड़े खड़े सेवा करती हो तो तुम्हें ऐसा श्रमित देखकर मुझे कष्ट होता है, तुम बैठकर सेवा किया करो। तो रानी ने ठाकुर जी से कहा, बोले प्रभु आप खड़े हैं और मैं बैठ जाऊं, ये तो सेवक और स्वामी के धर्म के विरुद्ध है, ये सेवक धर्म के विरुद्ध है कि स्वामी खड़ा हो और सेवक बैठ जाए, तो ऐसा मुझसे नहीं होगा, या तो आप बैठिए तो मैं बैठकर सेवा करने को प्रस्तुत हूं। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, अच्छा यदि हम बैठ जाएं तो तुम बैठकर सेवा करोगी, ऐसा हो जाए तो प्रभु मैं आपकी बात, आपकी आज्ञा स्वीकार कर सकती हूं। अगले दिन जब रानी ने पट खोला तो राम राजा सरकार बैठी मुद्रा में थे। एक ही मंदिर ऐसा है जहां भगवान आज भी बैठी मुद्रा में भक्तों को दर्शन देते हैं। और संत तो ऐसा भी कहते हैं कि जो वस्तुतः अयोध्या, जो वस्तुतः अवध बिहारी हैं, वो इस समय ओरछा में ही विराजमान है। जहां भक्त है वहां भगवान है, ये बड़ी सीधी सी बात है, भगवान को रहने के लिए कोई और ठौर नहीं है। स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर वसो सिया सहित दो भ्रात, जिनके तुम सब तात। तो ऐसी अनन्य भक्ता राजा मधुकर शाह की पत्नी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस कथा से एक बड़ा सुंदर सिद्धांत सन्मुख आता है कि यदि भजन करना चाहे कोई वस्तुतः, यदि किसी की आत्मा की इच्छा हो प्रभु के निकट जाने की, तो भगवान प्रतिकूल को अनुकूल करते हैं। क्योंकि मेरी दृष्टि में तो राजा होना ही भजन के मार्ग में सबसे बड़ी प्रतिकूलता है। भावुक लोग गाते हैं, अगर ये खुश हो जाए तो कदाई बख्श देते हैं, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं। भक्त तो कहता है भगवान जब रूठते हैं तो राजा बना देते हैं, भगवान जब रुष्ट होते हैं तो बड़ा आदमी बना देते हैं, उसे संसार का खूब मान सम्मान, खूब धन संपत्ति देते हैं, इस पर रूठ जाते हैं भगवान कि अब ये उलझा रहे, अब ये मेरे निकट नहीं आए, जिसे दूर करना हो प्रभु से। क्योंकि भगवान का श्रीमुख वाक्य है, श्रीमद् भागवत तो ये कहती है कि श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि जिस पर कृपा करता हूं सबसे पहले उसका धन हरण कर लेता हूं, फिर बंधु बांधवों से उसका वियोग करा देता हूं, उसके सुहृद जन, उसके मित्र जन सबको दूर कर देता हूं, फिर वो जो जो संकल्प करता है उस सबको मैं असफल करता चला जाता हूं। संग सखा सब तज गए कोई ना निवयो साथ, कहे नानक इह विपति में
एक टेक रघुनाथ। उसको चारों ओर से मैं एकदम निराश्रित कर देता हूं और फिर उस पर कृपा करता हूं, फिर उसे अपना आश्रय, फिर उसे अपना बल प्रदान करता हूं। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरे ओ करुणा में, ताको दुख हरे ओ करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। तो राजा मधुकर शाह की भक्ति इतनी सच्ची कि संसार की सब प्रतिकूलताएं उनके लिए अनुकूल हो गई। पत्नी मिली तो उनसे भी भक्ति में बड़ी चढ़ी। जब जब संपत्ति को देखते तो उन्हें संपत्ति दिखाई नहीं पड़ती, उन्हें लगता कि प्रभु ने मुझे संत सेवा करने के लिए, प्रभु ने मुझे सबकी सेवा करने के लिए यह साधन दिया है। तो राजा मधुकर शाह के दरबार का ऐसा नियम था कि जो भी कोई वैष्णव वेश धारण करके आ जाए, सुंदर तिलक हो, गले में कंठी हो, तुलसी की माला हो, और जो भी कोई वैष्णव तिलक धारण करके आ जाए, राजा उसका खूब मान सम्मान करे। राजा अपनी मान मर्यादा भी भूलकर स्वयं सिंहासन से उठकर जाए, संत के चरण धोए, चरणामृत शिरोधार्य करे। जो गुण भगवत दास में होने चाहिए, जो गुण भगवान के निज जनों में होने चाहिए, वो सब राजा में मूर्त रूप से पूर्ण रूपेण विद्यमान। अब राजा के कुछ निजी लोगों को, कुछ मित्र लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगे, अरे आप राज सिंहासन से उतर कर आते हैं और ये राह चलते साधु, अरे इनका चरण धो धो कर आप इनका चरणामृत पीते हैं, क्या सुख मिलता है आपको? आप राज मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते, पर राजा किसी की बात पर ध्यान नहीं दें। तो एक बार उन विमुखों ने क्या किया, एक बार उन विमुख लोगों ने एक गधे के गले में तुलसी की कंठी बांधी, उसके मस्तक पर वैष्णव तिलक लगाया और राजा के महल के सन्मुख द्वार पर उसे खड़ा कर दिया। सिपाहियों से कहा कि जाकर राजा से कह दो कि आज तो कोई विचित्र प्रकार का वैष्णव आया है। अब सिपाहियों ने जाकर कहा राजा से, बोले आज तो कोई विचित्र से वैष्णव आए हैं। जैसे ही कान में सुना वैष्णव आए हैं, राजा दौड़कर गया और द्वार पर जब जाकर देखा तो गर्दभराज खड़े हैं, गले में कंठी है और माथे पर वैष्णव तिलक है। पर मेरा ऐसा अनुभव है कि भक्ति दृश्य नहीं बदलती, भक्ति आपकी दृष्टि बदल देती है। क्या दिखता है संसार में, गुण में अवगुण खोजहीं, जो प्रकृति के नीच, जो जूही के खेत सूकर खोजत कीच। जूही का खेत हो, आप शुकर को उसमें छोड़ दीजिए, उसे जूही के पुष्प की सुंदरता से, उसकी सुवास से उसे कोई लेना देना नहीं है। वो वहां जाकर भी क्या करेगा, कीचड़ में मुख डालेगा। मूर्ख व्यक्ति को आप कितना भी समझाइए, वो अपमान ही करेगा। नीति कहती है बुरा ना मानो मूर्ख का, वह जो करे अपमान, जैसी जिस पे वस्तु वैसा उसका दान। यदि दृष्टि में, यदि आपके भीतर में गुण है नहीं, तो आप गुण में भी दोष खोज लेंगे। और यदि भीतर भगवान है, तुलसी बाबा कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। एक राजा थे, वो कुछ भी देखते तो कहते आह क्या भगवान की सुंदर रचना है, क्या भगवान की लीला है, बड़े प्रसन्न रहते। एक जगह मैंने लिखा हुआ कहीं पढ़ा था कि सदा मुस्कुराते रहना ये ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, सदा मुस्कुराते रहना। आज तो जीवन ऐसा हो गया कि जीवन से मुस्कान चली गई, प्रसन्नता ही चली गई। बड़े आश्चर्य की बात है, आज तो लोगों को हंसने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। सुबह क्या होता है देखो, कहीं पर पार्क में वो एक होता है, क्या बोलते हैं उसे, लाफ्टर क्लब, और असुरों की तरह जाकर वहां पर लोग हंस रहे हैं। बताओ हंसने के लिए भी प्रयास है,
आप देखिए मानव मानवता से कितना दूर होता चला जा रहा है। उसे हंसने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है, उसे खाने के लिए दवा लेनी है, उसे सोने के लिए दवा लेनी है। पता नहीं कौन सा सुख अर्जित कर रहे हैं आप, पता नहीं कौन सी संपत्ति, किसको विकास कहा जाता है, ये बात समझ के बाहर है। ये विकास हो रहा है या मानवता का विनाश हो रहा है? कि आप अपने जीवन के जो सहज धर्म है आप उससे भी दूर जा रहे हैं, हंसने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए भी आपको किसी का आश्रय चाहिए, हंसने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। कभी चिंतन करके देखना, याद नहीं आएगा आपको कि कब आप इतना हंसे थे कि हंसते हंसते आपके पेट में बल पड़ गए। बहुत बड़ी औषधि है खुलकर हंसना, सदा मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, ये बहुत ऊंची स्थिति है। पर ऐसा आप कर नहीं पाते। अरे यहां से उठ के जाओ बाहर, जूता खो जाए तो चेहरा देखने लायक हो जाएगा। जीवन में भीतर प्रसन्नता नहीं है ना, भीतर प्रसन्नता नहीं है, भीतर आनंद हो तो कबीर कहते हैं जा मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो और कब पाई हो पूरन परमानंद। जा मरने ते जग डरे पर मेरे मन आनंद, संत के भीतर आनंद है। वो कहता है कि मेरे राम राय जो राखे त्यों रहिए, उसे 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 भीतर से सुख है, उसे भीतर से आनंद है, वो भरा पूरा है, भीतर से पुष्ट कर दिया है भक्ति ने उसे। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? गधा सबको याद रहता है। तो राजा ने आकर देखा, तो मैं कह ये रहा था आपसे कि भक्ति दृष्टि बदल देती है। राजा को दिखाई नहीं पड़ा कौन है, राजा की दृष्टि उस समय भी सुंदर वैष्णव तिलक और तुलसी की कंठी पर ही गई। राजा ने उस दिन भी अपने नियम का अक्षुण्ण रूप से पालन किया। जिस प्रकार वो अन्य वैष्णवों का चरणामृत लेता, उसी प्रकार राजा ने उस दिन उस विचित्र वैष्णव का भी चरणामृत लिया। और जैसे ही चरणामृत लिया, सब लोग हतप्रभ, उपहास करने लगे कुछ लोग। राजा ने कहा कि मेरा बड़ा भाग्य है, कि मुझे प्रभु ने ऐसे देश का राजा बनाया है जहां पर पशु भी वैष्णवों का वेश धारण करके डोलते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे देश का राजा हुआ हूं जहां पशुओं को भी भजन की रीति आती है, जहां पशुओं को भी प्रभु से प्रेम है। विमुखों को समझ में आया कि राजा की भाव भावना क्या है, राजा क्या देखता है। राजा की दृष्टि में, जगत नहीं, राजा की दृष्टि में सदा जगन्नाथ रहते हैं। और यही उपासना का वस्तुतः प्रसाद है जो आपके अंतर्दृष्टि का मार्जन करती चली जाए। कभी भी बाहर का दृश्य नहीं बदलता। कौन सा ऐसा समय था जब संसार में पाप नहीं था? कौन सा ऐसा समय था जब संसार में पापी नहीं था? कौन सा ऐसा समय था जब संसार में प्रतिकूलता नहीं थी? कौन सा ऐसा भक्त हुआ जिसे जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा? दृष्टि बदलती है। तो बड़े शूरवीर थे राजा मधुकर शाह, जैसे धर्मपरायण वैसे ही सत्यपरायण, बड़े शूरवीर, बड़े प्रतापी। दिल्ली की गद्दी पर उस समय अकबर बैठा था और राजा मधुकर शाह ने अपनी वीरता से अकबर के बहुत सारे किलों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो अकबर ने भी इनको शूरवीर जानकर, इनकी शूरवीरता का सम्मान करते हुए बुद्धिमानी से इनसे संधि कर ली। एक बार अकबर ने इन्हें दिल्ली बुलाया। राजा मधुकर शाह पहुंचे। इनका नियम था कि मस्तक पे बड़ा सुंदर तिलक, गले में बड़ी सुंदर कंठी माला धारण किए रहते थे। इनके हाथ में छोटी सी सुमिरन करने की माला रहा करती थी। ये अपने उसी भेष में राजा के दरबार में पहुंचे। बादशाह देखकर थोड़ा चिढ़ गया। अब बादशाह है, बदमिजाज होता है। उसने सिंहासन से कहा कि देखो, हमें ये माथे पर तिलक बिल्कुल सुहाता नहीं है,
तो कल दरबार में जो तिलक लगाकर आएगा उसका सर कलम करवा दिया जाएगा। राजा ने उसी समय बादशाह ने राजाज्ञा जारी कर दी। राजा मधुकर शाह अगले दिन और सुंदर तिलक लगाकर आए। नित्य प्रति रज का तिलक लगाते थे, आज सुंदर चंदन और केसर का तिलक लगाकर आए कि नहीं दिखाई पड़ता भी राजा की दृष्टि में आए कि हम तिलक लगाकर आए। गले में बड़ी सुंदर तुलसी और कंठी की माला। बादशाह बड़े क्रोध में आया, बोले राजा तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। कल मैंने हुक्म दिया था कि जो दरबार में कंठी और तिलक धारण करके आएगा उसका सर कलम करा दिया जाएगा। राजा मधुकर शाह ने उसी समय अपना हाथ तलवार की मूठ पर रखा और कहा कि यदि मेरी रगों में आज भी श्री राम के कुल का पवित्र रक्त है तो मैं आपको आप ही के दरबार में चुनौती देता हूं। जो व्यक्ति जीवन में धर्म को धारण करेगा उसका धर्म, उसकी निष्ठा, उसका सत्य उसको सारे संसार से लड़ जाने की सामर्थ्य दे देता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले के पास क्या होता है? तुलसी कहते हैं, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आज तो हमको लाज लगती है तिलक लगाने में, शर्म आती है, हमें बाहर जाना है कैसे तिलक लगा के जाएं, कैसे कंठी पहने, क्या होता है बोले थोड़ा अच्छा से नहीं लगता। ऐसे आप बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी आपको पता नहीं किसने सिखा दिया कि ऐसे आप बहुत अच्छे लगते हैं। तिलक आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसे आप बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी पता नहीं कहां से सीख लिया। वैसे तो तिलक के पीछे का विज्ञान बड़ा सूक्ष्म है। जहां पर तिलक लगाया जाता है यहां पर आपका आज्ञा चक्र होता है। और तिलक क्या है? तिलक भगवान के चरण का चिन्ह है। जो वैष्णव तिलक है वो भगवान के चरण का चिन्ह है। और जब आप अपने इस आज्ञा चक्र पर भगवान का वो चरण चिन्ह धारण करते हैं तो आपके भीतर, आप यदि चिकित्सा की भाषा में भी इसको समझें, विज्ञान की भाषा में भी समझें, तो आपके सारे शरीर को करने की आज्ञा, कुछ भी करने की आज्ञा आपका मस्तिष्क देता है। आपके शरीर की छोटी से छोटी क्रिया सबसे पहले यहां घटती है, फिर आपके मस्तिष्क से आपके शरीर के उस अंग को एक संदेश जाता है और आपका वो शरीर का वो अंग उस कार्य में प्रणत होता है। तो जो आपका ये आज्ञा चक्र है, जब यहां पर भगवान का चरण चिन्ह रहता है, जब आप यहां पर तिलक करते हैं, जब आप गुरुजनों द्वारा बताया हुआ ये अनुशासन, जब आप बड़ी श्रद्धा और विश्वास से इसका पालन करते हैं, तो फिर आपके आपके इस आज्ञा चक्र में एक पवित्रता का संचार होता है। फिर आप छोटी से छोटी क्रिया भी जो करते हैं वो पवित्र होती है, वो शुचि होती है, वो मंगलकारी होती है। ये तिलक लगाने के पीछे का विज्ञान है, ये प्रदर्शन की विधा नहीं है, ये भला या बुरा लगने की बात नहीं है। और मैं कहता हूं कि इतने बड़े विस्तार में मत जाओ, सीधा सीधा सा कारण है। तिलक क्यों लगाना है? क्योंकि प्रभु को प्रिय लगता है। एक सौभाग्यवती स्त्री वो सारा श्रृंगार धारण करे लेकिन यदि उसके मस्तक पे सुहाग सूचक बिंदी न हो तो उसका सारा श्रृंगार व्यर्थ है। सौभाग्यवती स्त्री का जो सौभाग्य सूचक चिन्ह है वो आभूषण नहीं है, वो उसकी मांग में भरा जाने वाला सिंदूर है, वो उसके सौभाग्य का सूचक है। ऐसे ही वैष्णव का सौभाग्य सूचक चिन्ह माथे पे लगाए जाने वाला तिलक है। उसके पास कुछ ना हो लेकिन यदि उसने प्रभु के चरणों की रज से माथे पर तिलक लगाया है तो उसने सब श्रृंगार कर लिए, उसका सब श्रृंगार हो गया। ये वैष्णव का सौभाग्य सूचक चिन्ह है। इस संसार में मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जिनको यह सौभाग्य मिलता है। इस हाड़ और चाम को सजाते, विषय का भोग भोगते और इस संसार को रिझाते अनेक जन्म निकल जाते पशु की भांति। इस विषय की विष्ठा का भोग करते करते जन्म जन्मांतर बीत जाते पशुवत। फिर अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, कृष्ण भक्ति प्रजायते, फिर जन्मों का पुण्य संचित होता है। तो यह भगवत भक्ति का मार्ग मिलता है जहां यह सुंदर आभूषण एक वैष्णव के लिए उसके उसकी तुलसी की माला सबसे सुंदर आभूषण है।
वो सबसे पवित्र है, उसके माथे पर जो सुंदर तिलक है वो उसके प्रभु को प्रसन्न करने वाला है। तो एक सीधा सा कारण है, माथे पर तिलक क्यों लगाना है, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आपके माथे पर तिलक देखकर प्रभु को प्रसन्नता होती है, यही एक कारण है। अब ये आपके हाथ में कि आपको संसार को रिझाना है या आपको अपने प्रभु को राजी करना है। राजा मधुकर शाह ने भरी सभा में यह उत्तर दिया कि यह तिलक हमको हमारे गुरुजनों की आज्ञा से प्राप्त हुआ है, नित्य इस तिलक को धारण करना यह हमारे गुरुजनों की आज्ञा है, और मैं राजा मधुकर शाह आपका मित्र हूं, आपका नौकर नहीं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। मेरे लिए मेरे गुरुजनों की आज्ञा सर्वोपरि है, मेरे गुरुजनों की आज्ञा श्रेयस्कर है। और यदि मेरी रगों में आज भी श्री राम जी के कुल का पवित्र रक्त है, तो मैं आपको आप ही के दरबार में चुनौती देता हूं कि आप मेरे मस्तक की ओर दृष्टि उठाकर देखिए, मैं अभी आपके इस दरबार को रक्त रंजित कर दूंगा। राजा मधुकर शाह की ऐसी निर्भयता देखकर बादशाह चौंक गया, और जैसे ही राजा मधुकर शाह ने ये बात कही, और जितने क्षत्रिय राजा थे सबके हाथ पहुंच गए अपनी तलवारों की मूठ पर। अकबर बड़ा कुशल था, बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा कि इस प्रकार तो ये सारा का सारा राजकुल मेरे विरोध में खड़ा हो जाएगा। मुस्कुराने लगा, बोले हम तो तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे, हम तो देख रहे थे कि तुम्हारे मन में इस तिलक और कंठी के प्रति कितनी निष्ठा है, केवल तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। बड़ी सुंदर सी नीति सिखाती है ये कथा कि क्यों सदा जो बयार बह रही है उसी में बहने का प्रयास आप करते हैं। आप अपने जीवन को देखिए, आप पाएंगे कि बहुत सारा जीवन तो आप केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं। आप अपने जीवन में बहुत सारे कार्य बस इसीलिए करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इस प्रश्न का उत्तर लोग क्या कहेंगे तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे और कहे बिना नहीं रहेंगे, वो तो कहते आए और कहते ही रहेंगे। भोली सखी कहती है, अरे कौ निंदत और कौ बंदत, वृथा बकत बहु तेरे, मोए तो अपनो दूल्हो राजी चाहिए, जा संग पारे फेरे, सब विधि मैं इनकी और ये मेरे। राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरी गुण गाशारी मई। राजा जी रूठे मारो देश रखासी, हरी रूठा कठ जा स्यारी। एक किसी बहन का प्रश्न है यहां पर कि अब मैं ऐसा ही पढ़ रहा हूं जैसा लिखा है, इसी प्रसंग से जुड़ी कुछ बात है कि मेरे पति प्रभु में तो बहुत आस्था रखते हैं, पर मेरे सत्संग में आने पर उनको बड़ी कठिनाई है। हर काम और विचार में दोष देखते हैं, नीचा दिखाते हैं, ऐसे में धर्म और नीति के हिसाब से मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए या इनके साथ कैसा जीवन बिताना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है जिसने भी पूछा। तो पहली बात तो आप उस पहली पंक्ति को ठीक कर लें कि अपने मन से यह भ्रम निकाल दें कि आपके पति प्रभु में बहुत आस्था रखते हैं। यदि प्रभु में आस्था रखते तो आपके सत्संग में आने से उन्हें कभी कष्ट नहीं होता, एक तो यह बात ठीक नहीं है। और जो प्रभु से आस्था नहीं रखता, जिसे सत्संग से प्रेम नहीं है, मैं बड़े सीधे शब्दों में यह कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति को सत्संग से प्रेम नहीं है उस व्यक्ति से आप सद्गुण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। जीवन में सद्गुण तो केवल साधु संग की कृपा से आता है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। तो मैं तो भाई सीधे शब्दों में कहूंगा कि संसार के निर्वाह के लिए जितना व्यवहार आवश्यक है उतना बड़ी प्रसन्नता से करिए। क्यों? क्योंकि इस बात के साथ साथ मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि क्यों आप अपने पति में या क्यों आप अपनी परिस्थिति में दोष ढूंढें। ऐसा पति या ऐसी परिस्थिति मिली तो वो किसी का दोष नहीं है, वो आपका ही कमाया कर्म है।
बड़ी निष्ठा और बड़े भाव से संसार के व्यवहार का निर्वाह करते हुए भजन में लगे रहिए, और यदि आपकी निष्ठा सच्ची हुई तो इस बात का भरोसा रखिए आप संसार की ओर नहीं जाएंगी, संसार आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। क्योंकि यदि आपने परिस्थिति में दोष देखा तो